बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायो के चैप्टर 17 के लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक्स एंड कार्डियन एक सर्केडियन रिथम्स जो है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल रिथम्स हैं, ठीक है, और ये सर्केडियन सर्कैनल ये सारे, ठीक है, ये सारे इसके शॉर्ट के आगे पॉइंट्स भी हैं। तो ये शॉर्ट के हवाले से जब आप याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये लॉन्ग के लिए भी याद हो जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सिन्स, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स में ऑक्सिन्स और गिबरेलिन्स, ठीक है, ये राइट नॉर्टन ऑक्सिन और राइट नॉर्टन गिबरेलिन्स की इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी आपसे इससे कैसेडिथीन, ठीक है, और ये साइटोकाइनल्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दो हार्मोन्स जो है इनके ये जो एप्लीकेशंस है और इनके जितने भी पॉइंट्स बने हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है रिसेप्टर। रिसेप्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, ये चैप्टर ना बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है, तो इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन तो हैं, अगर आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, इतनी अगर आप में एबिलिटी है तो आप बेशक इसको चूज़ करें। पेरेंट्स स्कीम में आप, मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ये चैप्टर करें। अगर आपका वैसे अगर कोई यानी टीचर ने आपको टेस्ट वगैरह के लिए किया है तो दिया है तो वो बेशक कर लें, लेकिन अगर आप फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए और स्कीम के तहत करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि इसके साथ स्कीम में ना इस चैप्टर 17 के साथ कोई ऐसा चैप्टर हो कि जो कि छोटा हो, जिसमें कम लॉन्ग क्वेश्चन हो। इसमें बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जैसे रिसेप्टर्स हो गया, ठीक है। ये नेट्स न्यूरॉन्स वाला फिर इंपॉर्टेंट लॉन्ग आ जाता है, फिर फ्लेक्स आर्क बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग। ये सारे पास्ट पेपर्स में गेस्ट पेपर्स से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आगे नर्व इंपल्स वाला, और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नर्व इंपल्स वाला तो रिपीटेड है ये वाला क्वेश्चन ना, ये बहुत ज़्यादा आया हुआ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आप देखें ये मुसलसल लॉन्ग क्वेश्चन ही आए जा रहे हैं। साइनैप्स वाला फिर इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, फिर आगे बात आगे थायराइड ग्लैंड, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एवोल्यूशन वाला थायराइड ग्लैंड वाला आगे, फिर ये ब्रेन वाला, स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है तो इजी है, साइनैप्स वाला भी इजी है, आप एक दफ़ा रीड करके देखनी है तो इजी है, लेकिन जितना आप ज़्यादा करेंगे आपके माइंड में उतना ही बैठना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए बेशक कम करें लेकिन आपके माइंड में बैठने वाला हो। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पर ब्रेन। फिर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, फिर उसके अलावा नर्वस डिसऑर्डर, वैसे इतना ख़ास आया तो नहीं हुआ, लेकिन वो ये कह सकते हैं कि राइट टू नर्वस डिसऑर्डर, तो उसमें एपिलेप्सी आ सकता है, अल्जीमर डिजीज़, यानी आप कोई से भी दो तो आपने एपिलेप्सी और अल्जीमर डिजीज़ में से, या पार्किंसन डिजीज़। नेक्स्ट चले जाते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन था, ठीक है। यहाँ पे गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन्स, ये आपने करना है GH, बाकी इतना हार्मोन्स वगैरह को भी आप छोड़ दें। ये गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन्स आपने करना है लॉन्ग के लिए, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है पास्ट पेपर में, बहुत सारा रिपीटेड नहीं है लेकिन आया हुआ है दफ़ा। थायराइड ग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट नॉर्टन थायराइड ग्लैंड, ठीक है। आगे आ जाते हैं ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सारी डिटेल्स लिखी हुई है। फीडबैक मैकेनिज्म कभी कभार लॉन्ग में आ जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा फेमस क्वेश्चन नहीं है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, 50-50 है, लेकिन ये है तो लॉन्ग, ठीक है। आगे डिफरेंस बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है बट नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आगे नेक्स्ट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है,
लॉन्ग के लिए इतनी इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग के लिए जो मैंने आपको ये साइनएप्स वाला बताया और बाकी सारे आप देखें, इतना ज़्यादा चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है और आई थिंक पूरी बुक में का ना सबसे ज़्यादा यानी लॉन्ग क्वेश्चन वाला चैप्टर है। तो आप जब स्कीम चूज़ करें, आप 2024 की या 2025 की जो भी आप जब स्कीम आएगी तो आप जब उसको चूज़ करें तो आप ये लाजमी देख लें कि अगर आप चैप्टर 17 चूज़ करते हैं तो आप उस सूरत में चैप्टर 17 वाला पेयर चूज़ करेंगे। जब उसके साथ कोई छोटा चैप्टर हो, जैसे कोई भी ऐसा चैप्टर जो आपको ईजी लगता हो जिसमें कम लॉन्ग क्वेश्चन हों। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में फोटो पीरियडिज्म इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। देन वर्नलाइजेशन इम्पोर्टेंट लॉन्ग है लेकिन नॉट बहुत सारे इम्पोर्टेंट लॉन्ग नहीं है। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो फोटो पीरियडिज्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बर्थ, ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और ये बर्थ वाला 2023 के पेपर में आया हुआ है। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करने हैं, इनमें से कोई भी एक गारंटेड आ सकता है। ठीक है, बाकी के चैप्टर इतना कुछ लंबा नहीं है। ठीक है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में जो है इसमें आप कोई भी कर सकते, यानी जब आप शॉर्ट में करेंगे तो आप शॉर्ट में ऐड करेंगे, यानी डिफाइन गोनोरिया या व्हाट इज़ गोनोरिया, व्हाट इज़ साइफिलिस, व्हाट इज़ जेनिटल हर्पीस, तो ये जब आप करेंगे तो आपके शॉर्ट में तो याद होगा ही लेकिन लॉन्ग में भी आ जाएगा, तो इसमें आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये भी लॉन्ग इम्पॉर्टेंट या इम्पॉर्टेंट है, ये भी कह सकते हैं कि राइट टू या राइट थ्री, ये राइट एंड ऑटो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो उसमें आप ये करेंगे। सो ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, चैप्टर 17 भी और चैप्टर 18 भी। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आपको थोड़ा सा भी समझ आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। मैं इंशाल्लाह इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट शेयर करती रहूँगी। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।